हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो ऐसा एक सॉल्यूशन होता है जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे, आइसोऑस्मोटिक कहेंगे या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इफ़ अ रेड ब्लड सेल इज इन कंटैक्ट विद द सॉल्यूशन, जब आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल कंटैक्ट में आएंगी किसके, सॉल्यूशन के, दैट हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहा एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, उसका ब्लड प्लाज्मा का सेम एटॉमिक प्रेशर रहा जब कंटैक्ट होगा किसका, आरबीसी का सॉल्यूशन के साथ। जब क्या होगा वो देख लेते हैं। द सेल वॉल नेदर स्वेल नॉर श्रिंक, जब सेल वॉल जो रहती है वो नेदर स्वेल होंगी और नॉर श्रिंक होंगी। द पैरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन नीड्स, पैरेंटल और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को कई की नीड है वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट टू आइसोऑस्मोटिक और आइसोटोनिसिटी, इसको कई की नीड है, एडजस्टमेंट किसकी, एडजस्टमेंट आइसोऑस्मोटिक की और आइसोटोनिसिटी की एडजस्टमेंट की नीड्स रहेंगी किसे, पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस को। द सॉल्यूशन विच आर नॉट रोविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड पैराटोनिक, जब सॉल्यूशन नॉट रोविंग होगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे उसे हम क्या कहेंगे, पैराटोनिक। इसके अंदर दो कंडीशन होगी। फर्स्ट नंबर पर है हैव ग्रेटर प्रेशर कॉल्ड हाइपरटोनिक, जब क्या होगा, प्रेशर ग्रेटर रहेगा उसे क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक कहेंगे। या सेकंड वाली होंगी हैव लोअर प्रेशर कॉल्ड हाइपोटोनिक। दो कंडीशन फॉर्म होंगी, एक होंगी हाइपरटोनिक, एक होंगी हाइपोटोनिक। मतलब ग्रेटर प्रेशर रहा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक, और जो जिसकी लोअर प्रेशर पर रहा उसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर किसके वजह से होता है वो देख लेते हैं। 0.088% ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट मेनली फ्लोराइड प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जो 0.88% जो इनऑर्गेनिक साल्ट जो रहता है प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड का किसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, उसके वजह से कंट्रीब्यूशन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। यही मेन क्या है, उसके कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू किसकी वजह से होता है, 0.08% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो मेनली सोडियम क्लोराइड जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% NaCl इज, जो सॉल्यूशन कंटेनिंग करता है 0.9% NaCl प्रैक्टिकली आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा, जो क्या होगा प्रैक्टिकली क्या रहेगा, वो आइसोटोनिक रहेगा किसके साथ, ब्लड प्लाज्मा के साथ। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, अब यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%, अब ये क्या होगा, ये प्रैक्टिकली क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर मोर देन 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड जब रहेगा, जब क्या होगा वो देख लेते हैं, कॉल्ड हाइपरटोनिक, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक कहेंगे। क्यों, मोर देन 0.9% है उसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। जब काउजेस क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का क्या होगा, श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगा, काउजेस होगा उसे। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, लेस देन 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या था, मोर देन था, यहाँ पर लेस देन था, लेस देन रहने के कारण उसे क्या बोलेंगे हम, कॉल्ड हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक कहेंगे। क्यों, लेस देन 0.9% है। फिर काउजेस क्या होगा, काउजेस स्वेलिंग ऑफ आरबीसी, स्वेलिंग होगी। एक देख लो, यहाँ पर दो कंडीशन हो रहे हैं, लेस देन रहा तो क्या हुआ, स्वेलिंग ऑफ आरबीसी यानी हाइपोटोनिक बोलते हैं उसे हम। मोर देन 0.9% रहा, वहाँ पर क्या हुआ, काउजेस क्या हुआ उसे, श्रिंकेज ऑफ आरबीसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करके रख दीजिए या आपसे याद कर दीजिए। अब देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडजस्टमेंट टू टोनिसिटी। अब जनरल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है आईवी इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन मतलब आइसोटोनिसिटी इज डिजायरेबल, आइसोटोनिसिटी क्या रहेंगी, डिजायरेबल रहेंगी। सेकंड नंबर पर है एसी इंजेक्शन, आइसोटोनिसिटी इज नीडेड बट नॉट इसेंशियल, आइसोटोनिसिटी नीडेड रहेंगी बट इसेंशियल नहीं रहेंगी, बिकॉज ऑफ इंजेक्टेड टू फैटी एसिड। क्यों, बिकॉज क्यों, इंजेक्टेड कहाँ करा जा रहा है, फैटी टिश्यूज के अंदर। थर्ड नंबर पर है आईएम इंजेक्शन, शुड बी स्ट्राइटली स्लाइटली हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक है। टू प्रमोट रैपिड एब्जॉर्प्शन, ये प्रमोट क्या करता है? रैपिड एब्जॉर्प्शन। कौन? आईएम इंजेक्शन। फोर्थ नंबर पर है आईसी इंजेक्शन। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज शुड बी आइसोटोनिक टू अवॉइड, क्या अवॉइड करता है वो देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस है इसका, और शुड बी आइसोटोनिक, आइसोटोनिक है, पर लेकिन ये अवॉइड क्या कर रहा है? फॉल्स रिएक्शन अवॉइड करता है। कौन? आईसी इंजेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन लास्ट नंबर पर है इंट्राथेशियल जो इंजेक्शन होते हैं मस्ट बी आइसोटोनिक बिकॉज ऑफ CSF इज ओनली 60 to 80 ml। क्यों आइसोटोनिक रहते हैं? बिकॉज ऑफ CSF जो रहता है वो क्या होता है? 60 to 80 ml रहते हैं। पैराटोनिक सोल्यूशन में काउज वोमिटिंग एंड अदर साइड इफेक्ट, जो पैराटोनिक सोल्यूशन रहते हैं वो उसका कॉजेस क्या है? एक तो वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, एंड अदर साइड इफेक्ट दिखाता है। अब देख लेते हैं कैलकुलेशंस फॉर एडजस्टमेंट टू टोनिसिटी, यानी ये बेस किसके ऊपर है? आइसोटोनिसिटी। फर्स्ट नंबर पर बेस है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड के ऊपर, सेकंड नंबर पर है बेस ऑन मॉलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। दो मेथड पर ये जो कैलकुलेशन है एट आइसोटोनिसिटी का बेस है। अब फर्स्ट था बेस ऑन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ नीडेड इज इक्वल टू 0.02 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। ए और बी ये क्या है ये देख लेते हैं। वेयर ए मतलब जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो अनएडजस्टेड सॉल्यूशन का, उसे ही हम ए कहेंगे। अब बी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, इसे हम क्या कहेंगे? बी कहेंगे। अब सेकंड देख लेते हैं बेस ऑन मॉलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड 0.03 यम डिवाइड बाई यन। यम और यम क्या है ये भी देख लेते हैं। वेयर यम ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो यम जो है वो ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस है, और यन जो है वो नंबर ऑफ आयंस विद द सब्सटेंस इज आयोनाइज। अब ये दो फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम आइसोटोनिसिटी के क्या करेंगे? हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू make 1% solution of boric acid isoosmotic with blood plasma। हमें फाइंड क्या करना है? concentration of sodium chloride जो required रहेगा make, क्या make करना है, क्या बनाना है? 1% of solution of boric acid, बोरिक एसिड का हमें क्या बनाना है? solution बनाना है 1% के लिए, of जो isoosmotic with blood plasma के साथ। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। फर्स्ट गिवन दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बोरिक एसिड इज माइनस 0.088 सेल्सियस, ये गिवन दिया गया है। और क्या गिवन दिया गया है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज माइनस 0.67 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? फॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला इसके थ्रू हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अब बाय अप्लाइंग फार्मूला, कौन सा अप्लाइंग फार्मूला करेंगे हम वो देख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड, यहाँ पर 0.52 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ देख लेते हैं फार्मूला के अंदर ए मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट 1% जीरो बाय वॉल्यूम, ये क्या है? ए है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन है। और यहाँ पर बी, बी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन एडजस्टिंग सब्सटेंस, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर ये मिल गया। बाय अप्लाइंग फार्मूला इसके ऊपर वैल्यू रख देना है हमें। अब परसेंटेज यहाँ पर हम वैल्यू रख दी, यहाँ पर क्या हुआ? 0.52 यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ए वैल्यू जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन जो था वो ले लिया, और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ सॉल्यूशन जो था वो भी ले लिया। अब आप बोलते होंगे सर यहाँ पर माइनस है, नीचे भी माइनस है, यहाँ तो माइनस नहीं दिखा रहा। जो दोनों का माइनस जो था, यहाँ पर जो माइनस था और यहाँ पर जो माइनस था वो कैंसिल हो गए, जो फॉर्मूले का माइनस था वो तो जैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ पर माइनस और डिवाइडेशन कर कर यहाँ पर आंसर आया 0.402% वेट बाय वैल्यूम। ये अपना परसेंटेज ऑफ वेट बाय वैल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इतना आ गया है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं एग्जांपल। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड रहेगा किसे प्रोड्यूस करना है सोल्यूशन ऑफ आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पर पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड पहले हमें निकालना है। मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसा निकालेंगे, सोडियम का पहले एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई मतलब जो उसका एटॉमिक मास रहता है वो ले लेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23, क्लोराइड का एटॉमिक मास नंबर कितना है 55.5। ये दोनों को ऐड कर कर प्लस कर कर यहाँ पर टोटल आएगा 58.5%। ये क्या हो गया, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा। इसी तरह से सिंपल तरीके से मॉलिकुलर वेट आप किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड इज आयोनाइजिंग सब्सटेंस एंड इट गेट डिसोशिएटेड इनटू 2 आयंस। जो सोडियम क्लोराइड जो आयोनाइज होता है सब्सटेंस डिसोशिएट कितने आयंस, 2 आयंस। हमें आप क्या करना है, फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला, हेंस द फॉर्मूला इज यूज। कौन सा फॉर्मूला, जो हमें फॉर्मूला दिया गया था किसका 0.03 इंटू एम डिवाइडेड बाई एन। एम मतलब मॉलिकुलर वेट और एन मतलब नंबर ऑफ आयंस। टेकन द वैल्यू, हमें मॉलिकुलर वेट तो मिल गया सोडियम क्लोराइड का क्या है 58.5, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 2 है। यहाँ पर वैल्यू टेकन कर देना चाहिए 0.03 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से आया मालूम आपको, 2 आयंस। 58.5 कहाँ से आया, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइडेशन करके अपना W की वैल्यू आ गई है 0.88 ग्राम पर 100 ml। इसी तरह से आप हर किसके भी आप एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ये बाय यूजिंग 2 फार्मूले के हिसाब से। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।